5L की लगेगा, उसका हम ओपन पहले कर लेते हैं। वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम आएगा कैसे स्पिंडल ओपन होगा। अपना 6mm का बोल्ट ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये फिटिंग भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ओपन आएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में पहले जैकनेट ओपन करना, लॉक नट ओपन करना, ऑपोजिट ऑपोजिट दोनों साइड है। अब इसमें देखना है कि कौन साइड का ओपन करना है, वीडियो में बने रहे तभी मालूम होगा। ये बोल टाइट कर दिए कि थोड़ा अगर ये चकने खोलने में प्रॉब्लम है तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं। कितने का? 22-20 है स्पिनर। ये साइड पकड़ के हम वो करेंगे, ओपन करेंगे। ये स्पिनर लगा के पकड़ लिए हैं, अब जैसे चेकनेट ओपन करेंगे। ये पकड़ लिए, इधर का ओपन होगा, ये पुली साइड है, इसका ये जैकनेट अपोजिट ओपन होगा, उल्टा। मान लीजिए अपोजिट मैंने उल्टा, ये देखिए ऐसे करके अपना जैकनेट ओपन करना। क्रेट भी देखना है कि मेरा डैमेज ना हो। ये अपना पुली साइड है, तो मैं जैकनेट ओपन कर दिया। जैकनेट फुली ओपन हो गया। इसके बाद में फ्यूल साइड, फ्यूल साइड ओपन करेंगे। ये है अपना फ्यूल साइड, ये है फ्यूल साइड, ये वाला जैकनेट फ्यूल साइड का ये सीधा में ओपन होगा। ये फुली साइड अपोजिट हुआ, ये वाला सीधा होगा, इस साइड का होगा। इसलिए अपना ये ध्यान देना है, फास्ट यही ध्यान देना, इसलिए कि इसमें थ्रेड भी है, वो थ्रेड ख़राब भी हो सकता है, अगर ज़्यादा हम मारेंगे तो डैमेज भी हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं इसका आराम से ओपन हो जाता है, ध्यान रखना है कि अपना थ्रेड डैमेज ना हो।
साइड का भी जकनेट अपना ओपन हो गया। तो देखिए फुल रश पकड़ गया है। ये प्लेट ओपन करना, इसके बाद में प्लेट ओपन करना, ये 3mm का एल की लगेगा। 3mm का एल की से मैं ओपन कर लेता हूँ। बैरिंग इसका अंदर है, बैरिंग का बॉल पूरा ब्रोकन हो गया। इसका अपर सीट वाला ओपन करना है। अपर सीट वाला भी ओपन कर देते हैं। साइड वाला भी ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। अभी हम निकालेंगे इसका बैरिंग। पूरा बैरिंग के साथ में निकाले हैं। इसमें बोल्ट डाल के ही बारे ये अपना साफ डैमेज ना हो। अच्छा क्लीन होना चाहिए, उसके बाद में बैरिंग का भी अच्छा से निकालिए। ये दो बैरिंग है, इधर से मारेंगे, इसलिए कि ये मेटल पाइप नहीं लिए, हमें अल्मोनियम पाइप लिए हैं। मेटल पाइप से डैमेज हो जाता है, इसलिए काम करें अल्मोनियम पाइप लेके ही काम करें। सेट करके डालना भी है, ऐसे मैंने ओपन किया। अभी अपना ओपन का काम पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से मैंने स्टार्टिंग टाइम आज तो मैं पुली निकाला, पुली निकाल के अपना पुली निकालने के बाद में लॉकनेट निकाला, ओपन कर दिया। दोनों लॉकनेट इधर आएगा, फ्लैंच ओपन किया, ये भी ओपन हो चुका अपना। बैरिंग हो गया, अरे बूस हो गया,
का बोल्ट हो गया, ये फुल स्पिंडल हो गया। फुल स्पिंडल का मटेरियल अपने पास यही है, इसमें आप न्यू बैरिंग फिटिंग करेंगे, उसके बाद में पहले वाश करेंगे, वाश करके उसके बाद में न्यू बैरिंग फिटिंग करेंगे। ये अपना वीडियो में बने रहे, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं।